80 का दशक बदलते समय की पहचान बना। यह वो दौर था जब भारत में ऑटोमोबाइल कंपनियां नए कीर्तिमान बना रही थी। इसी दौर में हीरो कंपनी ने एक ऐसी मोपेड बनाई जो भारतीय आम लोगों के लिए परिवहन का सस्ता और अनुकूल माध्यम साबित हुई। यह मोपेड थी हीरो पुच। हीरो पुच लोगों के सफर में उनकी साथी बनी। इसका शानदार इतिहास जानने के लिए एक बार फिर चलते हैं हीरो पुच के शानदार सफर पर। पुच कंपनी मूल रूप से एक ऑस्ट्रियन कंपनी थी जिसने सबसे पहले पुच नामक मोपेड बनाई, लेकिन कुछ समय बाद कंपनी को ऑस्ट्रिया में प्रोडक्शन बंद करना पड़ा, जिसके बाद पुच कंपनी के मालिक ने हीरो मोटर्स को प्रोडक्शन लाइन बेच दी। इसमें दो गियर के साथ 65 cc का इंजन था और साथ ही मोपेड का 3 गियर और स्वचालित संस्करण भी था। हीरो पुच एक ऐसी मोपेड थी जिसकी लोकप्रियता गुजरते दिन के साथ बढ़ी। प्रतिस्पर्धी बाजार का हिस्सा होने के बावजूद हीरो पुच लोगों के बीच खासी प्रसिद्ध रही। इसकी प्रसिद्धि के कई कारण रहे, जिसमें इसका हल्का वजन और आकर्षक डिजाइन। ये अपने जमाने में आम लोगों से लेकर कॉलेज के लड़कों की फेवरेट रही। हीरो पुच ने लोगों के दिलों पर राज किया उस समय में जब टू व्हीलर बाजार में चुनिंदा बाइक्स मौजूद थी। ऐसे समय में आम लोगों ने जमकर हीरो पुच के सफर का लुत्फ उठाया। कम कीमत वाली हीरो पुच आम लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय मोपेड थी। उस समय भारत में सड़कें आज की तरह नहीं थी, यहाँ तक कि शहरों में भी कई सड़कें उबड़ खाबड़ हुआ करती थी। ऐसे में इन सड़कों पर भी आसानी से कोई वाहन चल सकता था, तो वह थी हीरो पुच। कहने को तो ये दो पहिया मोपेड थी, लेकिन किसी कार से बिल्कुल कम नहीं थी। इस पर आसानी से एक छोटा परिवार बैठ सकता था, और ऐसा हुआ भी। 90 के दशक के शुरुआत में हीरो पुच छोटे परिवारों की पहली पसंद बन गई। साल 1990 के दशक में देश ने उदारीकरण को अपनाया। इसके बाद हीरो पुच की बिक्री में तेजी से वृद्धि हुई। एक तबका जो हमेशा लग्जरी कार में घुमा करता था के इतर मध्यम वर्गीय परिवार हमेशा अपना जीवन स्तर और बेहतर करने के लिए हर संभव प्रयास करता था। भारत में आर्थिक स्थिरता आने से मध्यम वर्ग के लोगों की तादाद भी बढ़ गई और इन लोगों की मनपसंद साथी बनी हीरो पुच मोपेड। उस समय इसे खरीदना अपने आप में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। उचित मूल्य में खरीद और कम लागत में रखरखाव वाली हीरो पुच भारतीय परिवारों की शान की सवारी थी। बदलते समय के साथ मार्केट में नई तकनीक वाली बाइक्स आई जिन्होंने इसकी लोकप्रियता को कम कर दिया। धीरे धीरे इसकी बिक्री में कमी आई, जिसके कारण साल 2003 में इसका प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। तो दोस्तों, यह था हीरो पुच का शानदार इतिहास। दोस्तों, अगर आपने हीरो पुच पर सवारी करने का आनंद लिया है तो अपना अनुभव हमारे साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द हिस्टोरिक भारत को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके।